हमें खुद नहीं पता था कि वो राघव है। जब तक पता चला तब तक राघव पश्मीना को लेकर भाग चुका था। हाँ, या फिर ये कहें कि पश्मीना राघव को लेकर भाग गई। जी ऐसा कुछ। प्रीति जी, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, जरा बात कर ले। ये चिट्ठी पश्मीना लिख ही नहीं सकती, ये सब तो उस बाहर वाले लड़के ने लिखी है। डाली जी, हमारी बेटी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। पश्मीना ये चिट्ठी लिख ही नहीं सकती है। लो जी, मामा का व्यवहार तो देखो कैसे उमड़ रहा है। पानी तो सच तो ये है कि पश्मीना का चरित्र और मन दोनों साफ हैं। ये सब तो उस बाहर वाले लड़के का किया जा रहा है। ये बाहर के लोग ऐसे ही हैं डाली जी, ये शहर वाले यहाँ आकर ना हमारी बहू बेटियों को। एक मिनट भाई साहब, सबसे पहली बात, राघव बाहर वाला नहीं, वो पराया नहीं, वो एक कश्मीरी। और दूसरी बात, राघव एक बहुत नेक लड़का है। अब उसकी तुलना मुझसे और अविनाश से मत कीजिए। राघव ने हमेशा हमेशा हमारा भला ही सोचा है। उसने बिजनेस में हमारी मदद की है, हमारी हाउस बोट दिलाने में हमारी मदद की है। बट एक बात बता, तू यहाँ हाउस बोट में क्यों आया? ओ, एक्चुअली पिछले साल मेरी हाउस बोट ओनर्स के साथ एक खास हमदर्दी बन गई थी। उनमें से एक लोकल ने मुझे मेरी कश्मीरियत के साथ रूबरू करवाया था, तो उसके बाद से सब यहाँ अपने लगते हैं। उसने हमेशा अपना खुद का मतलब पीछे रख के हमारे लिए भला ही काम किया है, और आज भी तो। वाह पिट्टू दीदी, आज तो बड़े फूल झड़ रहे हैं तुम्हारे मुंह से। मैं बस राघव से नाराज थी, मैंने कभी उसे नफरत नहीं की। राघव और पश्मीना के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ही सोचेगी ना। राघव को दोष मत दीजिए, हम पूरी बात नहीं जानते, और आज जो कुछ भी हुआ मैं जानती हूं। ना मेरी पश्मीना ऐसा कर सकती है और ना ही राघव। पर चिट्ठी तो उसी ने लिखी है ना। किसने कहा? आप लोगों ने अपने आप ही तय कर लिया। राघव इतना बीमार है, वो कैसे ये चिट्ठी। मोइना जी, मैं राघव की लिखी जानती हूं, आप ही देखिए। क्या आपको लगता है ये चिट्ठी उसने लिखी है? नहीं, सही कह रही हूँ प्रीति। मैंने भी उम्र भर काम किया राघव के साथ, ये लिखाई राघव की नहीं है। तो फिर किसने लिखी है? हम बिना कोई वजह राघव और पश्मीना पे शक कर रहे। तो जिसने भी ये चिट्ठी लिखी है वो चाहते थे कि हम राघव पे शक करें। और राघव को ढूंढने की जगह हम उसे ब्लेम करें। आप सही कह रहे हैं, हम पहले भी वार्ड में गए थे तो वहां पे वो लेटर नहीं था, लेकिन जब हम दोबारा गए तो वहां पे लेटर था। मतलब वो लेटर किसी ने प्लांट किया। पर किसने? राघव ने ये चिट्ठी नहीं लिखी है, इसका मतलब वो दोनों भागे नहीं है।
लेकिन दोनों गायब तो है ना। सच क्या है, इस चिट्ठी का क्या मतलब है और पश्मीना कहाँ है? वो भगानी ले गया तो क्या अपनी मर्जी से भागी है लड़की? हाय ये मुआ राघव, जब देखो हमारे खानदान की नाक कटवाने को तुला रहता है। आनी तो जो पहले से कटी हुई है तुम्हारी वजह से। बस कीजिए, आप सबको बस बहाना चाहिए एक औरत की उंगलियां उठाने का। अपने काम से मतलब रखिए। और भाभी जी आप क्या बोल रही हैं, आप अपनी भांजी के बारे में इस बात का एहसास है आपको? अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकती, अपनी कड़वी जुबान तो बंद रखिए। मुझे पता है पश्मीना ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर वो दोनों गायब है तो कोई वजह होगी, कोई मजबूरी होगी, कुछ तो हुआ होगा जो हमें पता लगाना है। और आप हमें हमारे बच्चों के बारे में ना ही समझाए तो बेहतर होगा। हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अगर हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो बात को बढ़ाइए मत प्लीज। प्रीति हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा, कंप्लेंट तो करनी होगी। ये तो मजा ही किरकिरा हो गया। यहाँ बच्चे भाग गए और इन दोनों औरतों ने ना आपस में खुसर खुसर करके मामला सुलटा लिया। मजा नहीं आया बेबी को। आनी तो रीवा तुम माँ को घर ले जाओ। प्रीति आयशा बेटा चलो। जी मैं उनकी तस्वीर सारे स्टेशन पे भेज रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, कहीं ना कहीं से खबर मिली जाएगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब हमारी हेल्प कीजिए, उसे बहुत चोट आई और उसके अभी अभी सर्जरी भी हुई है। अगर ऐसा ही था तो अस्पताल में क्यों नहीं उन्होंने अपने आप को अफसरों के हवाले कर दिया? इंस्पेक्टर हमें तो शुरू से ही मामला खराब लग रहा है। ये चिट्ठी नकली है, राघव ने नहीं लिखी है। हो सकता है कि जिसने ये चिट्ठी लिखी है उसी ने राघव को छिपने के लिए मजबूर किया। हो सकता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि राघव उनके खिलाफ कुछ कहे। हो सकता है कि राघव को अभी भी उस आदमी से खतरा हो। एक्सीडेंट करने वाला मामला दबाना चाहता है। खैर देखिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। हर जगह जगह चेक पोस्ट पे हम खबर दे चुके हैं, कश्मीर से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। साहब देखिए बाहर प्रेस वाले आए हुए हैं, आप बात करने। नहीं नहीं हमें क्या लेना देना प्रेस से? नहीं प्रीति मॉम, पहाड़ी इलाके पुलिस वाले कहाँ कहाँ देखेंगे, पर प्रेस की मदद से हम रेडियो टीवी चैनल्स तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी ने राघव और पश्मीना को देखा होगा तो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आ जाएगी। सही कह रहा है वो, राघव पता नहीं किस हाल में होगा, हमें बात कर लेनी चाहिए। ये कश्मीर के बच्चे हैं, उनके घर से भाग जाने वाली खबर झूठी है। वो खतरे में, उनके नाम के नकली साइन की हुई चिट्ठी हम तक पहुंची है। ये मेरा बेटा राघव कौल और ये इनकी बेटी पश्मीना सूरी। ये दोनों कश्मीर के बच्चे हैं
और अब कश्मीर को इनकी हिफाजत करनी होगी। और कश्मीर हिफाजत करेगा, जरूर करेगा। और जो कोई भी इनकी इंफॉर्मेशन देगा उसे हम 10 लाख रुपए देंगे। नहीं, नहीं, क्या कर रहा पारस? कहाँ गए आपके पॉलिटिकल पावर पापा? कहाँ गए सब लोग? कहाँ है सब? कोई कुछ करता क्यों नहीं है? ये दोनों औरतें एक कैसे हो गई? तुमने तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि फूट डलवा दूंगा, फिर क्या हुआ? वो चिट्ठी भी किसी काम की नहीं निकली। तुझे तो राघव की लिखाई की नकल भी नहीं की गई। तो उसकी लिखाई कहां से लेके आता मैं पापा? नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, वो तो तेरे पास है नहीं। कुछ फायदा हुआ उस चिट्ठी का? उन अपने बंदों से फोन करके पूछो, ये किसी काम के नहीं है। मुझे कुछ करना होगा, मेरे पास एक आइडिया है। बद्री, मेरी बात सुन, ध्यान से एक काम कर। क्या करने जा रहा है? पर क्या करने जा रहा है तू पारस? हमें उन लोगों से पहले राघव और पश्मीना तक पहुंचना पड़ेगा। आंटी जरा ठंड रखो, तुम्हारी पार्टनर है ना, सब चंगा होगा। पोशाय माँ। तू कहती है ना सब ठीक होगा, भगवान सब भला करेगा। अब तेरी बेटी गोदी में खेलती पोशाई नहीं रही। कहती है ना पार्टनर हूं, तो थोड़ा दुख तू संभाल ले और थोड़ा मुझे संभालने दे। चिंता मत करो प्रीति, बच्चे मिल जाएंगे। रब राखा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे एक बार वो लोग आ जाए, बाकी की बातें तो बाद में होती रहेंगी। बिल्कुल, बातें तो होती रहेंगी, बस बच्चे सुरक्षित मिल जाएं। डॉली जी, मिंटी जी, मेरा विश्वास करें, वो दोनों अपनी मर्जी से कहीं नहीं गए होंगे। मैं मान ही नहीं सकती कि पश्मीना ने ऋषि को ही आपको धोखा दिया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। प्लीज मिंटी जी समझिए, पश्मीना अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती, और सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, वो लड़की सबके बारे में सोचती है। उसने अपने परिवार की कुर्बानी दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राघव का परिवार टूटे। मेरी जिद के सामने उस लड़की ने उफ तक नहीं की क्योंकि चाहती थी कि राघव अपने परिवार के साथ रहे, इसलिए चुपचाप चली गई वहां से। उसने ऋषि से रिश्ता जोड़ा क्योंकि वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, अपने लिए खुशियां ढूंढना चाहती थी, सुकून ढूंढना चाहती थी। वो किसी और को जानबूझ के दुख दे ये मुमकिन ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकती ऐसा। मोइना आंटी ठीक कह रही है, मुझे बस उन दोनों के लौटने की फिक्र है, वो दोनों ठीक हों और कुछ नहीं। स्ट्रेस मत ले, वो दोनों जहां पे भी होंगे वो दोनों ठीक होंगे। मेरा दिल बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। राजू, तेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा है मतलब कुछ तो है,
कुछ तो है जो तूने हमें नहीं बताया है। तेरी और जून की दोस्ती अलग है, लेकिन ये सब जो हो रहा है ना वो अलग है। कोई तो है जिसने वो चिट्ठी लिखी, कोई तो है जो ये पूरा का पूरा गेम प्लान कर रहा है। काजू देख, अगर तुझे पता है ना तो अभी टाइम है, अभी के अभी बता दो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह पे ना हमारी पश्मीना अपने मंगेतर के साथ रहे। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि काजू मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। कैलाश दोरानी से दुश्मनी करेगा तो डल के पानी में रह के मगर से बैर करेगा। पारस बेटा, हम दोनों मिलके इस राघव कोर की हस्ती मिटा देंगे। शायद नहीं, पक्का राघव से दुश्मनी निकालने वाला पारस दोरानी। पारस? हाँ, उस दिन संगीत वाले दिन भी उसने वो सब, या अल्लाह, मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ पारस ने ही किया है। उसने ही गुंडों को खरीदा है और अस्पताल में भी गुंडे उसने पश्मीना के पीछे भगाए थे। मुझे इस बार सचमुच लगता है कि उसी ने ये सब कुछ, मतलब तेरा कहने का मतलब है कि ये सब पारस ने किया है। यार अगर उसने ये सब चिट्ठी विट्ठी लिखी है ना तो मतलब वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और राघव और पश्मीना की जिंदगी खतरे में है। एक तो कॉल साहब, आप बहुत जिद्दी हो। मैं ना शोर हूं, उस पारस ने मुझे धक्का मारा। मतलब आपने पारस को देखा? नहीं, देखा नहीं था उसे मैंने, लेकिन मुझे याद है जब मैं उसकी गाड़ी ने मुझे धक्का मारा था पीछे। पर हमें तो कुछ नहीं मिला और हमने कार का भी पता किया था। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। अगर एक्सीडेंट हुआ था तो कार तो मिलती, पर यहाँ तो कुछ नहीं है। एक बार उसकी जीप है ना, उसकी गाड़ी के पास जानता हूँ मैं। पक्का पारस ही था। पारस, वो सांप दरिंदा, उसी ने किया ये सब। हाँ, वो शायद मैंने हाउस बोट ओनर्स को कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया ना, शायद इस बात का गुस्सा निकल रहा है। ये है वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों ने धोखे में आके कैलाश दोरानी के साथ साइन किए थे, देख लीजिए। पता है कॉल साहब, अस्पताल में भी उसने आपको जहर दिलवाने की कोशिश की थी। यकीन नहीं आता कि पारस मेरा बचपन का दोस्त है, क्रिमिनल है, खूनी है, जबरदस्ती उसने मुझसे शादी करने की कोशिश की। और पंडित जी, और मंत्र शुरू करो, अब करो शादी शुरू। और जब मैंने उसे मना किया तो उसने कितना गलत किया हमारे साथ। पारस ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी जान, और तुमसे कहा कि पश्मीना, ये उसका प्लान था कि तुम अपना संगीत छोड़ के भाग के बिना किसी को बताए यहाँ आ जाओ। हे शंभुनाथ, ये पारस का असली चेहरा है। मैंने फिर भी माफी दे दी, पर उसने एक के बाद एक, उसकी ये हरकत है ना, माफी के लायक नहीं है, उसे फांसी होनी चाहिए। अपराधी है वो, एक नंबर का। वो खतरे में घर से भाग जाने वाली खबर झूठी है। मामा, ये मेरा बेटा राघव कौन? और ये इनकी बेटी पश्मीना सूरी। उनके नाम के नकली साइन की हुई चिट्ठी हम तक पहुंची है। नकली चिट्ठी? पारस, इतना घटिया कैसे हो सकता है ये इंसान? I'm so sorry.
मैं आप तक पहुंचना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि मैं और कौल सब बिल्कुल ठीक है। अगर पारस को खबर हो गई तो देख रहे हो कौल साहब, हमारी माएं जिन्होंने हमेशा एक दूसरे को नापसंद किया है और देखो आज अपनी सारी नाराजगी हटा के हमारी माएं बन के खड़ी हैं पूरी दुनिया के सामने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.